सतना के रामपुर तहसील में कई वर्षों से एक ही मिठाई न सिर्फ इस इलाके के चलन में है बल्कि यहां से गुजरने वाले हर किसी के दिल में अनूठे स्वाद की पहचान बन गई है। जी हां, ये मिठाई किसी खोवे की नहीं बल्कि दूध और शक्कर से बनती है जिसे क्षेत्र के लोग वर्षों से बना रहे हैं। कढ़ाई में महज दूध और शक्कर से बना ये पकवान जिसे खुरच कर निकाला जाता है, इसलिए इसे खुरचन नाम से जाना जाता है। न सिर्फ यह इस क्षेत्र की लोकप्रिय मिठाई बल्कि नेशनल हाईवे से लगे होने के कारण दूर राज्यों और अन्य देशों तक अब ये पकवान पहुंच रहा है। घर घर में मिठाइयां खरीदने और बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पकवानों की खुशबू त्योहार की खुशियों को दुगना कर रही है। महज 25 किलोमीटर दूर रामपुर बघेलान तहसील में बनने वाली खुरचन का अपना ही अलग मजा है। खुरचन दूध और पिसी हुई शक्कर से बनकर तैयार होता है, फिर इसे प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश में भेजा जाता है। ये पकवान यहाँ 12 महीने बिकता है, लेकिन त्योहारों में इसकी मांग और पूर्ति करना मुश्किल होता है क्योंकि ये शुद्ध दूध से बनता है। यहाँ विशेष त्योहार में हजारों क्विंटल दूध की खपत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि खुरचन लोगों की पहली पसंदीदा मिठाई है। 200 से 300 रुपये किलो में बिकने वाला खुरचन यहाँ के लोगों के जीविका का एक बड़ा साधन भी है। रामपुर निवासी रामकली शुक्ला बताती हैं कि हम 40 साल से खुरचन बना रहे हैं। पहले मैं और मेरे पति बनाते थे, अब मेरा बेटा और बहुएं बनाती हैं। हमारा परिवार इससे ही चलता है। 40 साल हो गए हैं बनवत। पहले पापा बनवत रहे हैं, फिर कुछ दिन हम बनाए, वो लड़का बनवे लाग सुनील। अब इतने दिन से बनवत हो गई, इससे बहुत हुआ चला। अपन खर्चा पानी बिटियन का काज ब्याह घर दुआर सब वही के माथे पापा करा था। वहीं सुनील शुक्ला ने खुरचन बनाने की विधि के बारे में बताया कि हम कढ़ाई में दूध डालते हैं और उसे उबालते हैं, फिर जब वो उबल कर तैयार हो जाता है तो उसे निकाल कर टाठी पर लगाते हैं। हम सुबह 4 बजे से ही इसे बनाना प्रारंभ कर देते हैं और शाम तक इसे बनाते हैं। हम इसे 320 रुपये किलो में बेचते हैं। वहीं ग्राहक दीपक सोनी ने बताया कि हम त्योहारों में सिर्फ खुरचन ही ले जाते हैं। कढ़ाई में एक पाव डाल के उबालते हैं उसको, और जब वो मतलब बन जाता है पूरी तरह तो उसको नीचे निकाल के फिर उससे कढ़ाई से निकाल के टाठी पे लगाते हैं। इसमें शक्कर और दूध सुबह 4 बजे से ये शाम के 12-1 के बीच में बन जाता है। हम कढ़ाई में एक पाव दूध डालते हैं। एक पाव दूध कंप्लीट होता है जाके 8 से 10 मिनट, और 1 घंटे में आधा किलो कंप्लीट होता है। 18 घंटा वर्क रहता है, 18 से 20 घंटा, उसमें से अपन 14-15 किलो खुरचन बना लेते हैं। और दीपावली के उपलक्ष्य में यहाँ पे ऑर्डर बहुत काफ़ी ज़्यादा है, उतना अपन दे नहीं पाते हैं, फिर 1-2 आदमी लगाते हैं तो बनाते हैं। अशुद्धता तो 100% है। से हम लोग पैदा हुए तब से जान रहे हैं रामपुर में खुरचन। यदि कहा जाए खुरचन के संबंध में तो खुरचन ही एक ऐसी मिठाई जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। एकदम साफ सुथरा प्योर ओरिजिनल माल खुरचन ही होता है। केवल और केवल खुरचन का यूज करते हैं, किसी दूसरी मिठाई का यूज नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पर बनने वाली सभी मिठाइयाँ सब अच्छी क्वालिटी की होती हैं और मिलावट नहीं होती। इस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तक। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।